चलिए भाई, मैंने आपके सेटअप पर ना फिशरी वगैरह बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा देखी। तो मैंने देखा कि यार इतनी फिशरीज जमा की हुई हैं और माशाल्लाह सेटअप तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा है सेटअप है, क्योंकि जगह जो है ना आपके पास वो सुपर क्लास जी है, जगह सुपर क्लास है। तो मैंने बोला यार इतनी बड़ी जगह पे तो बंदा बड़ा खेल सकता है। लेकिन चूंकि आप कहीं ना कहीं ना शौक शौक में भी शौक में आ गए, कहीं ऐसा ऐसा ही भी है, है ना, ऐसा ही है। देखो तो ये कैसे हुआ? आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी गलतियां आपने की या आगे आप क्या करने वाले हैं, तमाम बातें। गलतियां स्पेसिफिकली अगर आप पूछें तो फिर हम अपनी गलतियों से ये कि दूसरे को सिखा सकते हैं ऐसे बिल्कुल कौन से बिल्कुल काम है जो दूसरों ने नहीं करने हैं बिल्कुल बर्ड्स की हॉबी के अंदर। स्टिल आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बिजनेस, इट्स अ हॉबी फर्स्ट। सही और ये जब हॉबी आप करते हो फिर ये बिजनेस बनता है सही आपका। सही आपने सबसे पहले जो भी आप बर्ड रख रहे हैं उसकी दाना पानी की एक कॉस्ट होती है, आपने सही कभी भी उस कॉस्ट को जो है ना फॉरगिव नहीं करना। आपने भूलना नहीं है कि आपका बर्ड अगर फर्ज करें 100 रुपए का बिक रहा है तो आपने 150 रुपए का दाना नहीं खिलाना, एक कैलकुलेशन सही से चलना है। ये देखें बात बड़ी अजीब सी लग रही है लेकिन कैटल फार्मिंग वाले भी ये चीज़ें करते हैं और हर बिजनेस वाला अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखता है। आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना सही इन टर्म्स ऑफ दाना, इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ बर्ड्स न्यूट्रिशन, हर चीज़ को आपने कैलकुलेटेड रखना है। बस सही कैलकुलेटेड रहेंगे, नुकसान नहीं उठाएंगे। अच्छा। मुझे बताएं कि ये जो फिशरीज आपके पास मैंने देखी जो कंपटीशन के लिए हैं, जी अगर किसी आम आदमी को दिखाई जाए उसको तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी ये चीज़। देखिए इसका बहुत बड़ा होता क्या है, अब हम लोग मैं ये मेरा चौथा साल है मैं शो वाले बर्ड्स ना प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसका गलत फ़ायदा भी कुछ लोग उठाते हैं। आपको पता है शो में बहुत सारे लोग आते हैं वो शो के अंदर ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बर्ड अपना वैसे तो उनका हार जाता है, वो बार बार पोस्ट लगाते हैं मैं इसको कंग्रेचुलेट करता हूँ, मैं इसको कंग्रेचुलेट करता हूँ, और फिर करते क्या है वो एक एक्चुअली देखें जब आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते ना तो आप एक इंप्रेशन छोड़ देते हैं। तो एक अगला बंदा है जिसको कुछ नहीं पता वो तो ये समझेगा ना कि यार ये बंदा भी जीता है, और फिर बाद में अपने घर जाके लोगों को बोलते हैं ऐसे लोग कि यार वो तो मैंने ही बर्ड जिनको दिए हैं, वो तो मेरे ही शो क्लास बर्ड है, मैंने सबको शो के बर्ड लगाया है, कराची में काम ही मैंने शुरू किया सबको लगा के दिया है, और बीच में अपने अजायम पूरे करते हैं। तो इसलिए सही हमेशा ऐसे लोगों से तो खैर नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना चाहिए, और हम इन बिल्कुल लोगों को बिल्कुल कभी भी अवॉइड कर नहीं सकते पूरी मुकम्मल तरीके से। ये झूठे लोग मकार लोग हैं हमेशा हमारे बीच में रहेंगे क्योंकि दुनिया तो बाकी। वही है ना, और दुनिया तो जो एक ही हाँ है। और होता क्या है जब मासूम लोग बेचारे जाते हैं ऐसे लोगों के पास वो शो क्लास बर्ड के नाम पे नॉर्मल बर्ड्स जो दुकानों में लालू खेत में एक आम आदमी के पास रखे हुए होते हैं वो बर्ड लेके आ रहे होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे बर्ड ही है। आपने भी देखे हैं वो बर्ड काफ़ी साइज़ में बड़े थे और उनके जो पॉइंट्स मैं बता रहा था आपको उस पॉइंट्स के हिसाब से वो और बर्डों से जब मैंने आपको डिफरेंशिएट किया फिर आपको फ़र्क लगा कि ये बर्ड अलग है वो बर्ड अलग है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा सबसे पहले आप अपना किचन स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक बर्ड लगाएं, कमर्शियल बर्ड लगाएं, कमर्शियल बर्ड से इतना कमाएं कि आपको नाम बनाने की ज़रूरत पड़े, फिर आप जाके ये काम करेंगे तो बेहतर है। आप पहले अपना रिस्क का इंतज़ाम करें, अल्लाह ताला उसमें रिस्क दे, बरकत दे, एक मुसलसल आपका एक पैटर्न चल जाए कि आपके बर्ड्स ब्रीड हो रहे, आपके पास इनकम आ रही, आप वो सेल कर रहे हैं, उनका दाना पानी कर रहे हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, फिर आप शो क्लास में हैं। क्योंकि अगर आप पूरी ज़िंदगी एल्बिनोज ब्रीड कराएंगे ना आपको एक तोता बेचने वाला ही कहलाएगा, सही आप बात है, सही कहलाए जाएंगे, बात, आपकी कोई बिल्कुल अचीवमेंट नहीं है। शो लड़ना एक अचीवमेंट है, तो आपकी अचीवमेंट आपके साथ जब अटैच होती है तभी आपका नाम बनता है और आपको लोगों को पता चलता है कि आप और ब्रीडर से थोड़े से डिफरेंट हैं। और एक जी और बात बताऊं गाइस आपको, भाई ने जो है ना अंधा पैसा लगाया, अंधा पैसा, मजाक नहीं कर रहा इनसे, बस हर बंदे से गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, इनसे भी होती हैं, इस तरह आपसे भी हुई होंगी। लेकिन जब बंदा अपनी गलती के बारे में बात करता है ना तो उससे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को फायदा पहुंचता है। अगर आप हमें अपनी गलती बताएंगे तो हम सीख जाएंगे कि ये वाला काम ऐसे करना है, मैं आपको अपनी गलती बताऊंगा तो आप बोलेंगे अरे ये वाला काम ऐसे करना है। तो इस तरह करते करते एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कई लोग गलतियां करने से ही बच जाएंगे। मैं आपको अपनी एक सबसे बड़ी गलती बताता हूँ, फिंच रखना, सही और फिंच 350 से भी ऊपर नंबर पे रखना ओ और उसको बारीक कंगनी के ऊपर पालना, ये उसके ऊपर की गलती ऑन टॉप्स में बता रहा हूँ। अच्छा फिंच रखना, उसके बाद 350 फिंच रखना, उसके बाद उसको बारीक कंगनी खिलाना पिलाना उस पर पालना, और उसके बाद 80 रुपये दाना बेचना, ये बहुत बड़ी गलती थी। सही इसे कुछ होते हैं फेल प्रोजेक्ट होते हैं, ये उनमें से एक फेल प्रोजेक्ट था मेरा। अच्छा, ये सबसे पहले आपने किया है ये, हाँ ये इसमें बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा बड़ी बात है। वैसे अली भाई बता रहे हैं, अच्छा अली भाई ये बताएं
कि आपने जो लवबर्ड में पैसा जो खोया है कितना होगा अंदाजा? यार इसकी तो देखें, लवबर्ड्स मरते भी हैं, लवबर्ड सेल भी होते हैं, और उसका हमको इतना ट्रैक रिकॉर्ड रखते नहीं है, तो इसमें बताना मुश्किल है क्या खोया क्या पाया। एक्चुअली आपकी जो सखत होती है ना, जो आपकी जो बेस होती है, वो आपके जो लगाए हुए ब्रीडिंग केजेस होते हैं, उनमें जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं, उनसे पहचाना जाता है बंदा कि यार ये बंदा कितना है। बाकी मुंह का चैंपियन तो हर कोई है, क्वालिटी तो हर किसी के घर पे सही लगी हुई है, सही असल जो है जो उसके ब्रीडिंग बर्ड्स उसके केज में लगे होते हैं ना, वो उसकी असल पहचान होती है। तो वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ। अच्छा, वो जो पर्सनाटा था आपके पास, यार इतना बड़ा पर्सनाटा, गाइस देखो ये इतना बड़ा पर्सनाटा, इतना मोटा, ये क्या था भाई वो आपके घर पे यार? वो एक्चुअल पर्सनाटा था, हमें अभी तक पता ही नहीं है कि 16.5 सेंटीमीटर का पर्सनाटा होता है, जो बुक्स में भी लिखा हुआ है, जो कि ओरिजिनल पर्सनाटा होता है, हमें नहीं पता। हम लोकल मार्केट्स में हाइब्रिड किस्म के बर्ड आ रहे होते हैं, नहीं पर्सनाटा अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा कि एक्चुअल पर्सनाटा होता करता है। लेकिन मतलब क्या वो एक वो जो दो आपके पास है वो सही है या जो पूरे पाकिस्तान में वो गलत है? लेकिन ये इसकी ट्रेल ना बहुत पीछे जाती है। एक वक्त था ग्रीन फिशर मार्केट में आया था, 6-7 हज़ार रुपये का जोड़ा था, फिर उसके बाद ग्रीन पर्सनाटा आया, वो और महंगा था, तो लोगों ने क्या किया, फिशर को पर्सनाटा को मिला दिया, उससे काले पीले बच्चे आए, और हाइब्रिड्स को मिला के किसी तरह बर्ड सेल करने थे ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाए और सेल करें। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी गिरती गई गिरती गई गिरती गई, तो आज हमारे पास जो लोकल मार्केट के अंदर बर्ड है ना, वो फिशरी है ना वो पर्सनाटा, वो एक हाइब्रिड बर्ड है, और बर्ड अपनी एक्चुअल पहचान खो बैठा। अब आपको जब मैंने एक्चुअल पर्सनाटा दिखाया जो अर्थ मेरी तो भाई तो आंखें फट गई आपको अजीब सा लगा, एक्चुअली गाइस, पर्सनाटा बड़ा खूबसूरत आप बर्ड लोग है। समझ नहीं पा रहे मेरी फीलिंग्स, क्योंकि आपने असली में नहीं देखा। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा ना, अगर तब भी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, भाई मजाक नहीं कर रहा। आई गेस ये इतना बड़ा थोड़ा सा छोटा, यार, थोड़ा इससे थोड़ा सा इसे थोड़ा छोटा, छोटा कर ले चले, इतना बड़ा और उसकी डेंसिटी, उसका मुंह देखें, ये उसका पेट इस तरह का, ये कहां से मिला आपको? ये एक्चुअली शो क्लास बर्ड है। अच्छा कुछ बर्ड्स मेरे दोस्त हैं फरहान साजिद भाई, इंशाल्लाह ताला आपको उनको मिलवाना, उनके यूरोप से कुछ बर्ड आए थे। अच्छा यूरोपियन जो गोरे है ना, वो अपनी नस्लों को ना प्रिजर्व करके रखते हैं, वो ना इधर उधर अगड़म शगड़म ना मिक्स मक्स नहीं करते, वो बेसिक बर्ड है, वो ब्रीड कराते रहेंगे, वो बेसिक बर्ड्स को संभाल के रखते हैं। ये ब्लू की नस्ल है, ये ग्रीन की नस्ल है, ये इसके अंदर कोई और ऑफलाइन की नस्ल है, वो बर्ड्स को नहीं। हम हमारे पाकिस्तान का हर ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू बना हुआ है, लोगों के पास प्योर ग्रीन बर्ड नहीं है। मतलब और लोग इतने लल्लू हैं कि आपको इस बर्ड को देख के बोलेंगे चर्बी में, चर्बी में। ऐसा एक इडियट ने बोला था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, गोली तो नहीं मारी आपने नहीं नहीं मारना था। देखिए जहालत हर जगह पर है। अब उस बेचारे को देखो, जब इंसान को पता नहीं होता ना, तो उस तरह के बर्ड मारता है। और ये एक्चुअली जो बर्ड आपने देखा था ना, ये PAG के शो का विनर भी है। अच्छा माशाल्लाह, तो बेसिकली बाहर से आया था ना? ये नस्ल बाहर से कैरी करी, बाकी हमने इसकी नस्ल को प्रिजर्व किया, और इसकी नस्ल अब मैं भी अपने पास बढ़ा रहा हूँ। और ये बर्ड ऐसे बर्ड हैं जिन पे वाकई में मैं शौक कर रहा हूँ, क्योंकि ये बर्ड सेल नहीं होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बर्ड सेल नहीं होते, क्योंकि इसकी जितनी प्राइस और वर्थ है वो आम फैंसियर नहीं देता, और उसको देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका आगे उसका इनकम का बाइस नहीं बनेगी, है ये आपकी पर्सनैलिटी का बाइस यार बनेगा ये ऐसा बंदा बर्ड। कैसा है गाइस, आप देखें तो सही, ये बंदा अपना काम बिगाड़ लेता है लेकिन बात ये बंदा सच्ची करता है, मतलब कितनी हैरत मैं की और आपको बात क्या है। बोलूँ, झूठी तसल्ली दूँ, स्टूडेंट ऑफर लगाऊँ आपको, क्या अच्छा मक्खन मारूँ इसके अंदर? नहीं है तो नहीं है। देखिए एक चीज़ यस है तो यस है, नो है तो नो है, देर सही इज बात। नथिंग इन बिटवीन यस एंड नो। अच्छा ये बात गाइस बहुत अच्छी है कि आप कुछ भी कर लें, आपने खाना उतना ही है जितना आपके नसीब में अल्लाह ने दिया हुआ है, यस ठीक है। आप अपनी चीज को उस तरह से बताएं जिस तरह से वाकई वो है। तो ये अली भाई की मुझे बहुत अच्छी लगी बात, ये एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि मैं उसकी नस्ल बढ़ा रहा हूँ, फिर दूसरी तरफ ये कह रहा है कि लेकिन ये कमाने का बाइस नहीं बन सकती। मतलब बंदा सोचे यार मेरे से कोई लेगा क्यों जब मैं इसकी इस तरह की बात कर रहा हूँ, और फिर मैं बढ़ा भी रहा हूँ तो कल को मैं क्या करूंगा? कल को ये इनका जो समझ लीजिए कि भरोसा है वो अल्लाह के ऊपर, और सबका भी होना यस चाहिए, हमारा भी यही है। सो गाइस आई होप कि आपको आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।